नमस्कार दोस्तों, आज का जो घर का नक्शा है वो उन लोगों के लिए परफेक्ट घर का नक्शा है जो लोग बहुत ही कम पैसों में एक बेहतर एक अच्छा घर का नक्शा बनाना चाहते हैं। तो आज का घर का नक्शा कुछ इस प्रकार से बनाया गया है जो कि एक बिल्कुल ही परफेक्ट घर का नक्शा है और जो सबसे ज़रूरी बात है कि कम पैसों में भी ये घर का नक्शा आपका बन जाएगा, मतलब ये घर बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर कृपया नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाला जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे ओके। और चलिए हम लोग इसे अब शुरुआत करते हैं। देखिए हम लोग सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, ये है आप लोगों का 26 फीट बाय 30 फीट का ओके। ये जो आप लोग का डिस्टेंस है ये 26 फीट 30 फीट का है। टोटल इधर का आप लोग का रहेगा 26 फीट ओके। ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये रखना है आप लोग को 26 फीट 0 इंच ओके। और इधर का जो डिस्टेंस है ये रहेगा आप लोग का 30 फीट 0 इंच। तो हो गया 26 फीट बाय 30 फीट, 26 फीट बाय 30 फीट का आज का जो हाउस प्लान है। देखिए और हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पास आप लोग को दो तीन स्टेप में कुछ सीढ़ियाँ मिलेगा, यहाँ पास स्टेयर दिया हुआ है सीढ़ी ओके। यहाँ पास ये रहेगा आप लोग का मेन एंट्री गेट, इस यहाँ का जो मेन एंट्री गेट रहेगा यहाँ पास है ओके। और यही पास एक डोर लगा लेना, आप लोग चाहो तो इसे लकड़ी का वुडन का डोर लगा सकते हैं, डबल डोर ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला जो डिस्टेंस आप लोग को दिखेगा, ये वाला जो लॉबी एरिया है ये रहेगा 6 फीट 6 इंच ओके। और इधर रहेगा आप लोग का स्टेयर सीढ़िया ओके। स्टेयर कैसा है, इधर ये है आप लोग का अप का डायरेक्शन ओके। और ये है ऐसे करके ये ऊपर जाने कैसे घूमकर, यहाँ पास लैंडिंग दिया हुआ है तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7 फीट। और ये वाला डिस्टेंस आप लोग का रहेगा 10 फीट ओके। ये वाला डिस्टेंस आप लोग रखना है 7 फीट या तो और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप लोग को ओके। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ इधर साइड में आप लोग का रहेगा ड्राइंग एरिया ओके। इधर साइड में आप लोग का ड्राइंग एरिया रहेगा इस कोने में। और ये एक हॉल भी है ओके, ये हॉल है ऐसे करके इधर साइड में इसके नीचे में। और इधर आप लोग को हैंड वॉशिंग मिल जाएगा ओके। और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस रखे हैं 18 फीट होगा ओके। और ओके तो ऐसे करके ये आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पास बहुत सारा एरिया। तो देखिए हम लोग यहाँ पास फर्स्ट में ही हम लोग एक मॉडर्न किचन दे दिए हैं यहाँ पास, एक अच्छा सा किचन जिसका साइज रखना है आप लोग देखिए 10 फीट बाय 10 फीट का ओके। 10 फीट बाय 10 फीट का साइज बहुत बड़ा होता है ओके। आप चाहो तो इसे और छोटा कर सकते हैं लेकिन इतना बड़ा काफ़ी है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास आप लोग को रहेगा टॉयलेट बाथ ओके। बाथ जिसका साइज रखना है आप लोग 6 फीट इंटू 6 फीट 6 इंच ओके, 6 फीट बाय 6 फीट 6 इंच। तो यहाँ पास आप लोग को पहला डोर मिल जाएगा, ये रहेगा आप लोग का बेड रूम ओके। ये बेडरूम है जिसका साइज रखना है आप लोग को 10 फीट बाय 11 फीट, एक सिंपल बेडरूम है यहाँ पास। लेकिन ये वाला जो है ये बिग बेड रूम है ओके, बड़ा मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें इसका साइज दिया हुआ है 14 फीट बाय 11 फीट का ओके। तो ऐसे करके है आज का देखिए स्मॉल सा हाउस प्लान है, इस पर दो बेडरूम दिया हुआ है। इसका खर्चा इसका जो लागत है वो बहुत कम आएगा। तो हम लोग इसमें अब विंडो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पास विंडो जो पीछे की तरफ बैक साइड हम लोगों ने क्लोज रखा हुआ है ओके। इधर बगल में विंडो दिया हुआ है और एक सामने में विंडो, और यहाँ पास लैंडिंग एरिया में एक विंडो लगेगा। तो ऐसे करके दिया हुआ ये सॉरी वेंटिलेशन है ओके, ये वेंटिलेशन है। तो देखिए आज का जो हाउस प्लान है ऐसे करके रहेगा। लेकिन इसमें वॉल का साइज रखना है 9 इंच, इन साइड वॉल का रखना साइज 6 इंच ओके। और इसका जो कॉस्ट आएगा जो मेन है इसका जो कॉस्ट आएगा ये रखना है आप लोग को यहाँ पास, कॉस्ट आ जाएगा इसका 8 लाख ओके, 8 लाख रुपए या थोड़ा बहुत और अधिक लग सकता है। और लेकिन इसमें आप लोग को सभी चीज़ मिलेंगे ओके। तो आज का ये हाउस प्लान है, कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलेंगे किसी और अच्छे से नक्शे के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।